कौन प्यारे भाई भैया, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। आप सब बहनों की दुआ है, मेरी दुआ है, जो बीमार हैं अल्लाह पाक अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए, जो जहाँ भी जिस भी दुख तकलीफ परेशानी में अल्लाह पाक उनके सब दुख तकलीफ परेशानियाँ दूर फरमाए, और उनके साथ के हमारे भी जो दुख तकलीफ परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो माशाल्लाह व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो अभी मैं काम से जो है ना काम पे जा रहा था, तो ये देखें मेरी बाइक निकाल ली है, ये पल्ली उठा ली है, वो दतरी भी उठा ली है, और उधर जो है ना बकरियां जो है ना छाँव में बांध दी है, घास वगैरह डाल दिया है। अभी इधर की जो है ना सफाई सुथराई रहती है, वापसी पे आके करूँगा इंशाल्लाह। और ये रहा हमारा झोंपड़ा, चमसी इधर पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो है ना आज मौसम बहुत ही ख़राब है, ये देखें सारे बादल ही बादल है, हर तरफ धूप बिल्कुल नहीं है, और हल्की हल्की हवा चल रही है, गर्मी भी महसूस हो रही है और हवा भी महसूस हो रही है, यानी कि दोनों एक साथ चल रही हैं। मौसम बिल्कुल ख़राब है, ये सारे बादल ही बादल है हर तरफ बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा प्यार बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करता चलो ये मौसम की सूरत हाल भी। कल भी जो है ना ऐसे था, रात भी ऐसे था, उससे एक दिन पहले भी ऐसे था, तो मैं साहब भाई मेरे साथ आज शेयर कर रहा हूँ ये मौसम की सूरत हाल, क्योंकि कल जो है ना कुछ इससे कुछ कम था, रात जो है ना जैसे ये अभी है ना ऐसे रात का बना हुआ है, और लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, अगर जैसे ये बना हुआ है तो बारिश हो जाएगी तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो अभी जो है चलते हैं शाम की तरफ बकरियों का घास लेने के लिए, तो वहाँ चल के इंशाल्लाह आप साहब मेरे साथ भी शेयर करते हैं, कपास की सूरत हाल भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है, और आगे जो भी रूटीन होगी सब मेरे के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा अमन से भी जना आपकी बातचीत करवाएंगे इंशाल्लाह, तो रहना है हमारे साथ। अभी जो है सब्जी काटी जा रही है, और ये देख रहे हैं ये मसाला टमाटर, और ये है हरा धनिया, हरी मिर्च, और ये हो गए प्याज, और ये हो गई उजमा धाबी। सब्जी काटने वाली है, ये देखे मुर्गियों का हाल, देखे क्या हशर मशर किया हुआ है। वो आखे नहीं सिर्फ दाने से कम बापे, वो कहती हैं दाने डालो जाओ, ओ देज के में है डालो, नीचे का लो ना थोड़ा सा, भरा हुआ नहीं है, थोड़े हैं उसमें, नीचे नहीं होता, नीचे भी नहीं होता। गोली वगैरह ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, उसके साथ वो देज का रखे, उसके ऊपर हाथ नहीं पहुंचता आपका। हाँ भाई, सोच रहे होंगे कि आजकल खलील की हालत कैसे हो गई है, जैसे ना दाढ़ी बनवाई है, ना मूछें बनवाई हैं, ना बाल बनवाए हैं, कुछ भी नहीं। तो मेरे बहन भाइयों से शेयर करता चलूँ आप सब बहन भाइयों के साथ कि मैं जो है ना काम में मसरूफ़ था, इसलिए जो है ना फिर ये इतनी इतनी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आज या कल इंशाल्लाह उधर जाऊँगा तो बच्चों के पास, तो क्योंकि एक हफ़्ता हो गया उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह उधर भी जाऊँगा, उनसे भी बातचीत करेंगे, और इसके अलावा ये जो है इनके अपनी सेटिंग भी कुछ करवाएँगे, क्योंकि जो है ना सेटिंग बहुत ख़राब हो गई है, तो इसके सेटिंग भी करवाएँगे इंशाल्लाह, और आप सब के तो बस साथ भी शेयर करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है ना मैं कपास में पहुंच चुका हूं, यहां पर मैं काम करता हूं, तो दिखाता हूं कपास, ये जी पान हमारी कपास हो गई, पानी की वजह से जो है ना बहुत ही बुरा हाल, पानी है नहीं यहां पर, कपास को पानी लग नहीं रहा, तो इसलिए जो है बहुत ही बुरा हाल है, कपास जो है खुश सूख गई है, कैसी हो गई है सारी, ऐसी कैसी हो गई है। लेकिन सब बहन भाइयों से दुआ की अपील है, दुआ कीजिए कि हमारा जो है ना कोई अल्लाह पाक सबब बनाए, पानी जो है ना बहुत हो जाए, और हमारी यहाँ पर जहाँ मैं काम करता हूँ उनकी फसलें भी काफ़ी सारी ज़्यादा हो जाए, ताकि उनमें से जो है ना मुझे भी मजदूरी अच्छी मिलती रहे, तो इसलिए दुआ करता हूँ, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। तो अभी जो है फिर
आया हुआ हूँ यहाँ पर बकरियों का घास काटने के निकालने के लिए। देखते हैं कहाँ से निकालता हूँ, जहाँ से कुछ बेहतर रहेगा वहाँ से निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ भी शेयर करते हैं कि जब मैं निकाल लूँगा, यानी कि निकाल लूँगा निकालते हैं, लेकिन फिर जो है ना व्लॉग भी मुकम्मल हो जाएगा। छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ तो सब बहन भाइयों के साथ शायद शेयर ना भी कर पाऊँ घास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगा मैं कैसे जो है ना व्लॉग घास जो है ना निकाल के ले जाता हूँ। तो जैसे ये काट दिया है, बाकी ये नीचे नीचे एक खड़ा हुआ है यहाँ पर, उस तरह भी है इस तरह भी है, तो सारा इंशाल्लाह काट के फिर इस पल्ली के अंदर डालूँगा, ये भी है, तो फिर ले जाएंगे घर और बकरियों को डालेंगे। लेकिन अभी जो है मैं जो चाहता हूँ आप सब बहनों से कि इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर इजाज़त लेने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, जब नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हमारा चैनल जो है जल्द से जल्द ग्रो हो सके। मैं हर बार हर व्लॉग में यही बात करता हूँ कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।